हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सेना और ये जो वीडियो है जेआईबी 1 वीक चैलेंज प्रोग्राम है। सीधा सा मतलब है कि हम कैसे जेआईबी को एक हफ्ते में प्रिपेयर कर सके। देखिए, जेआईबी में खास बात क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे जेआईबी को अगर आप लेते हैं तो जेआईबी में दो पार्ट है, एक तो है थ्योरी, दूसरा पार्ट है केस स्टडी या फिर न्यूमेरिकल। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका किस में आता है, अकाउंटिंग में आता है, बाकी कहीं नहीं आता, बाकी कहीं नहीं आता ये सब चीजें, बाकी सब जगह थ्योरी है, 100% थ्योरी है। और अकाउंटिंग के केस में भी ये 15% से लेके 25% का ही सवाल आएगा। यानी अगर कोई आदमी जेआईबी को थ्योरी अच्छे से करके चला गया तो वो 100% पास कर जाएगा। प्रॉब्लम इधर ही है, थ्योरी जो है बहुत वाइड है, बहुत वाइड है, बहुत 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 चौड़ा है थ्योरी, इसका इतना बड़ा है थ्योरी। आप अगर आप मैकमिलन बुक ले ले, ठीक है, तो उसका आप देखेंगे तो 700 पेजेस का बुक है। कितना पेजेस का है? 700। बहुत बड़ा चीज हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इतने कम समय में आप बुक नहीं पढ़ सकते, एक हफ्ते में बुक नहीं पढ़ा जा सकता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसा चीज चाहिए जिससे कि हम पढ़ के जाए और पास कर जाए, कम से कम पास तो कर जाए। और हमारा जो मिशन है, ठीक है, हमारा जो गोल है या मिशन है वो है फर्स्ट पास करना एंड देन स्कोर करना। ठीक है, स्कोर क्या करना, हमारा 65 प्लस मार्क्स लाना है। ज्यादातर स्टूडेंट का गोल है सिर्फ पास करना। पास क्या है? 50 मार्क्स। मैं ही बोलता हूं 50 मार्क्स में अगर आप कहीं फेल करके एक नंबर भी कम आ गया, ठीक है, क्या होगा? 49, क्योंकि आपका यही गोल है जस्ट पास करना। मेरा गोल क्या है? 65 नंबर लाना। तो मेरा अगर दो नंबर भी या तीन नंबर भी काट लीजिए, ठीक है, तो मेरा को तो आ गया ना 62 मार्क्स, तो मैं तो फर्स्ट क्लास पास कर गया। इस केस में मैं फर्स्ट क्लास पास किया। अब सवाल है कि ये सब क्या पॉसिबल है इतने कम समय में? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पॉसिबल है। इस दुनिया में सब कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये कोई चमत्कार नहीं कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जहां एक हफ्ता बचा है, ठीक है, मेरे समझ से आपको हर दिन एवरीडे आपको 5 to 6 आवर्स का पढ़ाई करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो नहीं नंबर आ पाएगा। ठीक है, और यहां पूरा पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ये नहीं कि ये पढ़ के चले गए वो करके चले गए तो हो जाएंगे, बस नहीं होंगे, ये सब बहुत सारे लोग कर चुके हैं। ठीक है, आप हर दिन 5 से 6 घंटे देंगे तो पास कर जाएंगे। और मैं अभी और आता हूं इस पे पॉइंट पे। ये तो बात हुआ कि भाई कितना समय आपको देना पड़ेगा, 5 से 6 घंटा। अगर आपको नहीं निकल समय निकल पा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप छुट्टी मारो। ठीक है, आप छुट्टी तो ले सकते हैं ना, आपके अकाउंट में पेड लीव होगा। ठीक है, पेड लीव होगा या फिर आप इसको क्या बोलते, पीएल बोलते हैं हम लोग, या फिर ओएल बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीव होगा, है ना, आपके अकाउंट बहुत सारे लीव होगा। ये सब क्या करेंगे, रख के आप यूज करिए, अपने ऊपर तो यूज कर ही सकते हैं ये। ठीक है, इसको यूज करिए, इसको ले लीजिए भाई, 4 दिन की छुट्टी ले लीजिए, या अगर कैजुअल लीव है तो कैजुअल लीव लगा दो। ठीक है, अगर आप ऑनेस्टली 3 दिन की भी छुट्टी ले लेते हैं आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आपका कोर्स क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा पूरा 3 दिन की छुट्टी में। कैसे होगा वो मैं बताता हूं। मैंने कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम है फेस टू फेस कोर्स। जैसे मैं भी आपको बोर्ड के सामने पढ़ा रहा हूं वैसे वीडियो रहेगा, यहां पे सारा पॉइंट्स बनाया हुआ रहेगा, पॉइंट्स बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है, मैं इसको वन बाय वन करके आपको बताते जाऊंगा। पहला पेपर हो गया प्रिंसिपल्स, तो इसमें दूसरा पेपर है अकाउंटिंग,
तीसरा पेपर है लीगल, तो इसमें 15 घंटे की वीडियो है, इसमें है 18 घंटे का वीडियो है, इसमें है आपका 18 घंटे का वीडियो है, ठीक है। ये सब चीजें कवर है, मॉड्यूल ई भी है इसमें, ठीक है। वो मत सोचिएगा कि पूरा अपडेटेड रहता है, अपडेटेड है, ठीक है, कोई भी कोर्स के लिए। और इसमें विथ न्यूमेरिकल्स है, केस स्टडी या न्यूमेरिकल बोल लीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आप 5 और 3 दिन हम पढ़ाई को इसको बांटे, कितना हो गया, 5-5 घंटा निकल जाएगा। तो 5-5 घंटा भी आप पढ़ के चले जाओगे तो भी ये काम हो जाएगा। आप हो सकता है कि आप मेरा जो क्वेश्चन बैंक है वो आप नहीं देख पाएंगे, जो मैं आपको 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक देता हूं वो हो सकता है कि आप नहीं देख पाएंगे टाइम की कमी की वजह से। देख पाए या नहीं देख पाए कोई बात नहीं, नहीं देख पाए तो देखना चाहिए, अब समय नहीं तो नहीं देख पाइएगा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। आप इसी चीज को ऐसा भी कर सकते हो, 15 घंटे को आप 2 दिन में भी पढ़ सकते हो, 8-8 घंटे के, एक दिन टाइम मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक देख लेना, ऐसा कर सकते हैं ना। लेटर सपोज नहीं भी मिलता है तो भी आप पास कर जाइए, क्योंकि मैं सारा चीज कवर कर रहा हूं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको वो सीधा सीधा मैकमिलन बुक का पढ़ा रहा हूं। अगर आपके पास मैकमिलन बुक है, ठीक है, मैकमिलन बुक है, तो आप बुक को ऐसे अपने पास रख लीजिए, और जो भी मैंने बोर्ड पे सारे पॉइंट्स को अरेंज किया हुआ है, जितने पॉइंट्स अरेंज किया हुआ मैकमिलन बुक के ही सारे पॉइंट्स, मतलब उसको पैराग्राफ में रहता है मैकमिलन बुक का, उसमें से जो जो पैराग्राफ मुझे इंपॉर्टेंट लाइन्स लगा है वो सारे के सारे मैंने बोर्ड पे पॉइंट वाइज बना दिया है, ठीक है, और उसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, और इतना बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, इतना बेहतरीन आप सोच भी नहीं सकते। और आप मैकमिलन बुक पढ़ के जा रहे, क्या पढ़ के जा रहे, मैकमिलन बुक, मैकमिलन बुक पढ़ के कोई अगर आदमी जाएगा तो फेल नहीं कर सकता है, ठीक है, ये सारे लोग जानते हैं, मैकमिलन बुक पढ़ के जाएगा तो कोई फेल नहीं कर सकता है, उसी की तो वीडियो है पूरी की पूरी, और बोर्ड पे है ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और कम, और इसी चीज को मैंने 15 घंटे में बताया हुआ है, आप समझिए कितना अच्छे से बताया हुआ होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे एक चीज और मैं बोलूंगा कि जो लोग फेल कर गए हैं, एग्जाम दे चुके हैं और फेल हो गए हैं, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम दे चुके होंगे और वो फेल कर गए, ऐसा दूसरी बार हो गया, तीसरी बार हो गया, चौथी बार हो गया, और भी ज्यादा वाले होंगे, उन्होंने सारी एक्टिविटी किया हुआ है आपने, ठीक है, आपने नोट्स डाउनलोड किया, किया ना नोट्स डाउनलोड, क्या रिजल्ट आया, ऐसे कोई रिजल्ट नहीं आया, जीरो है ना। आपने YouTube का वीडियोस भी देखा, उससे कुछ फायदा हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है, रिजल्ट इज जीरो। क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ कि इनकम्प्लीट है, ये सारी चीजें इनकम्प्लीट है, आधा अधूरा, एक लाइन दो लाइन लिखने से नहीं होगा। मैं अपने बुक जैसे है ना, पूरा पढ़ के नहीं जाओगे पूरा बुक तो कुछ नहीं होगा, उसी तरीके से यहाँ है। आज के डेट में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मत समझिएगा कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, सब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, तभी तो फेल कर रहे लोग, सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है, सारा का सारा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए सब चीज जो आप करके जा रहे हैं ना, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और जो लोग कर चुके हैं, जो लोग फेल हो चुके, वो ऐसा काम तो करे ही नहीं ऐसा काम, फिर से रिजल्ट आ जाएगा, क्या फायदा है, 5-5 बार एग्जाम देने से कुछ मिलेगा क्या, डोंट टेक रिस्क, ठीक है। अच्छा एक चीज और, बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है, ओके, मेरा ये मानना है कि अगर आप इतना करके जा रहे हैं तो आप फेल नहीं करेंगे, ठीक है, और ऐसा काम मत करिएगा। जो लोग पहली बार दे रहे हैं वो तो समझ के होंगे, ये गलती मत करिएगा, और जो दे चुके हैं वो तो गलती भूल से भी ना करें, ओके, इस ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और हम जो यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहे हैं कोर्स, एक्चुअली हमारे पास 2 तरह का कोर्स है, 1 इज नॉन SPPT कोर्स और दूसरा है फेस टू फेस कोर्स। जो मैंने आपको रिकमेंड किया है वो अभी आप पढ़ के जाइए, फेस टू फेस कोर्स। अच्छा एक लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि सर मैं एग्जाम नहीं दे पाया या एग्जाम में फेल भी कर गया, ऐसा भी हो सकता है, आप नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, कोर्स ले लिया, कोर्स लेने से क्या होता है, पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फेल। उस केस में क्या होगा, आपकी अकाउंट, क्या मुझे दोबारा से पैसा पे करना होगा अगले बार, नहीं पैसा पे करना है आपको, कुछ पे नहीं करना है, एक बार पे कर दिया लाइफ लॉन्ग रहता है। वैलिडिटी के सवाल जो है आपके एक मन में है, तो कोई भी कोर्स करिए आप, सब लाइफ लॉन्ग होता हमारे, ठीक है, लाइफ लॉन्ग है,
ठीक है। तो ये दो तरह का कोर्स है। पीपीटी कोर्स का मतलब हो गया जो टीचर बोर्ड सॉरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, माइक्रोसॉफ्ट में एक प्रोग्राम जिसका नाम पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में सारा कुछ बनाया रहेगा और उसका स्लाइड्स चलेंगे और पीछे से आवाज आएगा। फेस टू फेस वीडियो कोर्स जैसे एज इट इज, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, लेडीज फेस टू फेस, जैसे आपको ये थोड़ा इंटरेक्टिव होता है, ज्यादा अच्छा होता है। और इसमें सबसे बड़ा बात का इंटायर मैकलन बुक बताया हुआ जो कि इसमें इंटायर नहीं है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं, आप समराइज टाइप से बोल सकते हैं, ये है इंटायर और ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। और मेरे समझ से आपको ये कोर्स करना चाहिए, खास करके जो फेल हो गए हैं ना उनको तो पक्का यही कोर्स करना है। आप कोई कोर्स मत करिएगा, बाद में ये मत बोलिएगा सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, मैं उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ठीक है। मैं पहले बोल दिया आपको ये कोर्स करना है। और जो एग्जाम दे रहे हैं ऑलरेडी दे दिया है उनके पास, जो फ्रेशर है पहली बार दे रहे हैं, है ना, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है भाई, आप चाहो तो ये दो चाहे तो वो दो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप ये भी ले सकते हो चाहे आप ये भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अब आइए इसमें हम लोग क्या क्या दे रहे हैं। इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, उसके बाद आपको 2000 सॉरी इसका क्या रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, उसके बाद आपको पास 2000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा जिसमें 1000 प्रीवियस ईयर है, 1000 एक्सपेक्टेड है, 1000 ओके, सारा चीज आपको मिलते जाएगा। इसके अलावा क्या रहेगा, पीडीएफ में नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट्स है। और जो फेस टू फेस वीडियो कोर्स कर रहे हैं इसका स्क्रीन शॉट्स रहेगा। स्क्रीन शॉट्स का मतलब समझते हैं ना आप लोग, जैसे इसको आप फोटो भी अपने फोटो खींच लो, इट इज स्क्रीन शॉट, यहाँ पे सारा पॉइंट्स बनाया हुआ है, इसका पूरा स्क्रीन शॉट रहेगा। उसका पीडीएफ में ये अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ में सीधा सीधा स्क्रीन शॉट है और ये नोट्स रहेगा। अब आप एक चीज और बोलेंगे सर, आप हर वीडियो में यही बोलते हैं कि नोट्स बनाइए और रिविजन करिए, है ना। मैं देखिएगा हर वीडियो में एक ही चीज बोलूंगा, अपना नोट्स बनाओ और रिविजन करो, ठीक है। पर अभी क्या है कि मैं आपको मना करूंगा नोट्स बनाने के, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। नोट्स आप बना सकते हो, अगर जो बच्चा 6 दिन में छुट्टी ले रहा हो बना देगा वो नोट्स, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। आप 2-3 दिन की छुट्टी मार रहे हो, नोट्स बनाओगे तो समय लग जाएगा आपको, बहुत समय लग जाएगा। तो इसी के लिए नोट्स से बचने के मैंने स्क्रीन शॉट्स दिया हुआ आपको। पर जो मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जो बच्चा नोट्स बना लिया पूरा हाथ से पर लिख के अपना खुद का सेल्फ नोट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, और रिवीजन करता है, वो कभी फेल नहीं किया, मेरे यहां कभी भी नहीं फेल किया है, कभी भी नहीं। आप अगर पूरा नोट्स बनाए हुए हैं पूरा ऐसे नहीं आता, एक मॉड्यूल दो मॉड्यूल का नहीं, पूरा 5 मॉड्यूल है लीगल प्रिंसिपल्स में, लीगल में 4 मॉड्यूल है, अकाउंटिंग में 4 मॉड्यूल है। आप सारा बना लो, रिविजन करो, कभी नहीं फेल करोगे। रिविजन तो आपको यहां भी करना है, यही ब्रह्मास्त्र है और यही आपको रिजल्ट देगा। लोग फेल करते हैं इसलिए भी कि क्या करते हैं, दुनिया जहान पढ़ लेते हैं, रिविजन करते नहीं है, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और अभी आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, नोट्स नहीं बनाएंगे, अगर स्क्रीन शॉट से काम चला लेंगे आप और आप रिविजन कर लेंगे उस चीज को, डेट्स इट, ठीक है, क्लियर हो गई सारी बात है। यहाँ पे आपका जो कोर्सेज है जेआईबी का प्रिंसिपल्स और लीगल कोर्स है, अगर आप पीपीटी में कोर्स में करेंगे 600 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स करेंगे तो 1200 रुपए दाम है। अगर आप जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे तो पीपीटी वीडियो कोर्स में 800 रुपए, फेस टू फेस दाम 1500 रुपए, जेआईबी का कॉम्बो पे करेंगे पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपए, फेस टू फेस कोर्स दाम 3000 रुपए, और सीआईबी का एबीएम बीएफ रिटेल बैंकिंग करेंगे पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 800 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 1500 रुपए, सीआईबी का बहुत कंपलसरी पेपर एबीएम प्लस बीएफएम उसका दाम 1500 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 2700 रुपए, सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे एबीएम प्लस बीएफएम प्लस रिटेल तो पीपीटी वीडियो कोर्स दाम 2000 रुपए, फेस टू फेस वीडियो कोर्स दाम 3500 रुपए, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं,
फोन नंबर हो गया 4 times 9 6 8 5 1 2 7। दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। ओके, आप वेबसाइट पे भी जाके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.jaiibcaiibstudymaterial.com। ठीक है, ईमेल आईडी है हमारा sidsinha123@gmail.com। थैंक यू।